नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद उत्साह से सराबोर समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो ऊर्जा मिली है उससे समाजवादी पार्टी आगामी उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि सपा का मानना है कि अगर उत्साह से लगे रहे तो 2027 के विधानसभा चुनाव की राह कठिन नहीं होगी। इसी कड़ी में और आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने तैयारियों का जायजा लेते हुए रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के सपा कार्यालय में जाकर उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा भी लिया, वहीं सपा नेताओं से बातचीत भी की। इस दौरान सपा नेताओं द्वारा हाथरस मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। खास बैठक नहीं, ये तो सामान्य रूप से हमारे नेता जब जी रहते हैं मुख्यालय पर, लखनऊ पार्टी कार्यालय जब भी रहते हैं तो हजारों हजार भीड़ रहती है। हमारे जैसे कार्यकर्ता मिलने आते हैं तो इसी तरह से कोई बैठक नहीं थी। उपचुनाव होने वाले हैं, क्या मानते हैं यहाँ पर कितना संघर्ष होगा, कितनी जीत हासिल होने वाली है? कुछ नहीं, सारी सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के झोले में जाएगी। कोई संघर्ष नहीं, संघर्ष कौन करेगा, संघर्ष तो देख लिया गया भाई। कहते थे 80-80, कहते थे 400-400, क्या देखा, क्या रिजल्ट आया बताइए आप। तो कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीतेगी। देखा कि सवाल लगेगा, हाथरस जो मामला चल रहा है, जांच बैठा दी गई पर 123 लोग उसमें मारे गए, मर गए, अचानक मृत्यु हो गई, कि किसका जिम्मेदारी है? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, मुख्य जो है सेवादार को पकड़ लिया है। जिम्मेदारी का यूँ तो जांच बैठ गई है, जुडिशियल जांच है, तो जांच की रिपोर्ट आने दीजिए कौन कौन जिम्मेदार होंगे। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, इतना कह सकते हैं। और सरकार के कौन अंग लोग हैं, सरकार के जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, LIO है, SDM है, तो ये जिम्मेदारी का बात तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तब कहा जाएगा। हाथरस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी क्या रोके, क्या रणनीति रहने वाली है? समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय, अत्याचार और लोगों के मुसीबत और परेशानी और डेथ पर हमेशा हमेशा संवेदनशील रहती है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो माने नेताजी आज दुनिया में नहीं है, सिद्धे मुलायम सिंह वो व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थी। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मुसीबत के समय हमेशा हमेशा उनका दृष्टिकोण एटीट्यूड रहा है। तो वही एटीट्यूड हम लोगों का है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का है। हाँ, क्लियर कट है, जग जाहिर दृष्टिकोण है, दोषियों को दंडित होना चाहिए और मृतक परिवार को कम से कम 50 लाख से कम मुआवजा नहीं देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या सांसद अभेद प्रसाद का कहना है कि हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो मुआवजा दिया है वो उनके मुंह में जीरा है। आने वाले समय में तमाम तरह की बैठकें भी यहाँ पर होंगी। वो हाथरस मामले को लेकर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से अन्याय के खिलाफ है और जो गरीब हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके खिलाफ हमेशा से काम करती आई है और करती रहेगी। अब हाथरस मामले में क्या होगा, आने वाले उपचुनाव में क्या होगा, वो समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में संजीवनी मिली है उससे ऊर्जा से अटूट है, उत्साह भी है और यहाँ पर आगे की रणनीति बन रही है कि 27 के चुनाव में किस तरह BJP को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये ऊर्जा एकदम स्वागतपूर्ण है और धन्यवाद देती हूँ हमारी सभी जनता को। बहुत सारे वोटों से नवाजा गया है और बहुत सारी सीटें लाने में पूरी जनता ने मदद की है। PDA फार्मूला बहुत मदद किया है और आगे के चुनाव में भी ये फार्मूला मदद करेगा। सत्ता पर लगातार PDA को लेकर आपको आरोप लगाता रहा है कि PDA आपके साथ नहीं है, PDA के तमाम तरह की बात कही। नहीं तो इनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता ना, इन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे। इन्होंने तो कहा था कि 15 लाख आएगा, 2022 से पहले पक्के मकान मिलेंगे,
करेंगे, 2022 से पहले किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बहुत सारे वादे इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं। इनकी करनी और कथनी पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके कहने से तो कुछ हुआ नहीं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, PDA फॉर्मूले से भी जीती है, और धन्यवाद करती हूँ जनता का, बाकी भारतीय जनता पार्टी का। क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, ये आपको पता चल जाएगा, अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं और पूरी तरह से रणनीति आपको पता चल जाएगी। और लोकसभा चुनाव के बाद बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि यहाँ पर चुनौती बड़ी पेश करनी है। उत्तर प्रदेश में 27 चुनाव होने वाला है और खास से यहाँ पर पहले 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। मेहनत चल रही है और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठक चल रही है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद हैं, शिवपाल सिंह यादव भी हाल में बैठक में मिलकर निपट कर अभी लौटे हैं अपने यहाँ पर, और निश्चित रूप से यहाँ पर बैठकों के माध्यम से एक रणनीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अभी हम देखें तो हाथरस मामले में लगातार यहाँ पर राजनीति जा रही है, तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। बैठकों के माध्यम से यहाँ पर तैयारी पुख्ता करने की जिम्मेदारी है, और साथ साथ यहाँ पर जो ऊर्जा लोकसभा चुनाव के चलते मिली है, उस ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी, क्योंकि 27 चुनाव में भी समय बाकी है। अगर ऊर्जा बनी रही तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बार 27 चुनाव में BJP को हार फेंकने की यहाँ पर चुनौती पेश करती नजर आ रही है। आने वाले समय में क्या होगा, क्या चुनौती पेश की जाएगी और उपचुनाव में क्या कुछ घटित होगा, वो समय बताएगा। पर एक बार तो स्पष्ट है, जो ऊर्जा यहाँ मिली है उसको बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव लगातार बैठकों की तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और सबको जिम्मेदारी बांटते नजर आ रहे हैं। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीधी भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।